अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मई 2009 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। और ये सवाल जो है ये भी पर्टेन करता है हमारे सीवीपी या ब्रेक इवन एनालिसिस से, ठीक है ना। सीवीपी या ब्रेक इवन एनालिसिस से, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस से पर्टेन करता है, तो इस सवाल को हम डिस्कस। अच्छा सवाल रीड करता हूँ मैं। सवाल में लिखा हुआ है एल्बर्टा लिमिटेड प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट प्लेट्स फॉर विच दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कंपनी प्लेट्स बनाती है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेलिंग प्राइस है, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, टोटल फिक्स कॉस्ट है और सेल्स पर एनम है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में कहते हैं यूजिंग दी इन्फॉर्मेशन अबव कैलकुलेट दी फॉलोइंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। तो पहला वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी जाती हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी 12 है और उसमें से हम माइनस कर देते हैं 5, 2.8 और 2.2, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रही है 2, ठीक है। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 है और हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 240,000। तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 240,000 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हो जाएगा 240,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 120,000 यूनिट्स, 1,20,000 यूनिट्स। 120,000 यूनिट्स जो है ना वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स होगा 120,000। ये एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा उसने पूछा था कि ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो कि 120,000 आ रहा है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से यानी कि 12 से। तो अगर मैं 120,000 इंटू 12 करता हूँ, 120,000 इंटू 12 ये बनता है 144,000, 144,000, ठीक है भाई। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आप फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो से डिवाइड कर दो। अब सीएस रेशियो कैसे आता है, सीएस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हो सेल्स से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारी 2 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 12 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 बन जाता है आपका 16.67%, 16.67% ये आपका सी एस रेशो है। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू कैसे आएगा, आप अपनी फिक्स कॉस्ट को यानी कि 240,000 को डिवाइड कर दो सी एस रेशो से विच इज 16.67% और आप अपना आंसर निकालो भाई। 240,000 डिवाइडेड बाई 16.67% ये भी सेम आएगा, राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 144,000 ही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट A1 सॉल्व हो गया जिसमें हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना था। अगले पार्ट पर चलते हैं। पार्ट 2 में बोलते हैं प्रॉफिट फॉर वन ईयर क्लियरली शोइंग दी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि आप प्रॉफिट शो करो और उसमें कंट्रीब्यूशन भी शो करना। अच्छा हम करते ही हैं कि हम इसकी वर्किंग के लिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारी 12, सेलिंग प्राइस लिख ली। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मटीरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे विच इज 5 प्लस 2.8 प्लस 2.2 विच इज 10। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 10 आ जाएगी। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस किया तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, 12 में से 10 माइनस करते हैं अगर तो 2 बच जाता है, 2 बच जाता है,
दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। हमें प्रॉफिट मालूम करना है। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम डेटा देखते हैं तो हमने 400,000 यूनिट्स बेचे हैं। सवाल आपके सामने हर वक्त होना चाहिए, आप अपने पास सवाल जरूर जो है वो रखिएगा। 400,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए 2 × 400,000, ठीक है। आपने क्या किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं हम, 2 × 400,000 इज 800,000। 800,000 की टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 240,000। तो इस कंट्रीब्यूशन में से, टोटल कंट्रीब्यूशन में से 240,000 की फिक्स कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं। जब हम 240,000 की फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, 240,000 की फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, सो 800,000 माइनस 240,000 इज 560,000। 560,000, ठीक है। 560,000 क्या है? 560,000 मेरा प्रॉफिट है, बिकॉज मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट आ गया, और वो प्रॉफिट है 560,000, ठीक है। अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट में है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मुझे इन यूनिट्स कैलकुलेट करना हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन से ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, ठीक है। ना ऊपर जो सिनेरियो दिया हुआ है उसमें एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, यानी कि एक्चुअली मैं कितने यूनिट्स बनाकर बेच रहा हूँ, आपके सामने सवाल हर वक्त होना चाहिए भाई। 400,000 यूनिट्स बनाकर बेच रहा हूँ, और पार्ट नंबर वन में मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स निकाले थे और वो थे 120,000 यूनिट्स। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जो आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जो आएगा वो आएगा 280,000। 280,000 यूनिट्स जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आएगा, ठीक है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है एज बजटेड सेल्स, जो आपने सेल्स अचीव करी है, माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय जो आपकी बजटेड सेल्स है या जो एक्चुअल सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर मेरी जो बजटेड सेल्स या जो एक्चुअल सेल्स मैंने अचीव करी है वो कितनी होगी? मैं एक्चुअली जो है वो एक यूनिट 12 का बेच रहा हूँ और मैं टोटल जो है ना वो 400,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ इस साल में, तो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा 12 × 400,000 विच इज 480,000। 480,000, ठीक है। और हमने जो है वो, अच्छा एक मिनट, ठीक है, ब्रेक इवन जो सेल्स थी वो हमने 1,440,000 कैलकुलेट करी थी, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 1,440,000 और इसको डिवाइड कर देंगे बजटेड सेल से, यानी कि 480,000 से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480,000 माइनस 1,440,000 डिवाइडेड बाई 480,000 इंटू 100, यह आता है आपका 70%, यह आ जाता है आपका 70%, ठीक है। यह आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज 70% आता है। अच्छा, आप इसको जो आपकी बजटेड सेल्स थी उसमें से ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स को माइनस कर और जो आपकी बजटेड सेल्स इन डॉलर्स थी, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इन परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो है वो है इन यूनिट्स वाला तरीका। इन यूनिट्स वाला तरीके का में आप क्या करते हो कि आपके जो सेल्स के एक्चुअल यूनिट्स हैं वो कितने हैं? 400,000, उसमें से ब्रेक इवन के यूनिट्स माइनस करो विच इज 120,000 और फिर 400,000 से डिवाइड करो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा 400,000, यानी कि जो चीज मैंने डॉलर्स में लिखी थी वो यूनिट्स में लिख दूं, माइनस ब्रेक इवन यूनिट के ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स विच इज 120,000 डिवाइडेड बाई जो 400,000 मेरे बजटेड यूनिट्स थे मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा 400,000 माइनस 120,000 डिवाइडेड बाय 400,000 इनटू 100। अगेन हमारा आंसर 70% ही आता है, हमारा आंसर सेम आता है, 70% आता है। अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट में लिखता है अल्बर्टा लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज बाय एडिंग टू प्रोडक्ट्स कप्स एंड सॉसर्स। कंपनी जो है वो दो नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रही है, कप्स एंड सॉसर्स। द फिक्स कॉस्ट विल डबल टू $480,000 इफ एनी न्यू प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जैसे ही नया प्रोडक्ट एड अप करोगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी 480,000 से इंक्रीज हो जाएगी। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द एडिशनल प्रोडक्ट्स, कप्स की और सॉसर्स की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर सवाल बोलता है द करंट वर्कफोर्स इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लेट्स, देर इज हाउएवर मशीन कैपेसिटी अवेलेबल टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कप्स एंड सॉसर्स। अल्बर्टा लिमिटेड एक्सटेंडेड देयर प्रोडक्ट रेंज बाय एडिंग बोथ प्रोडक्ट्स। कंपनी ने दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया अपनी रेंज में, ठीक है, यानी कि कप्स और सॉसर्स दोनों बनाएंगे। और अभी क्या बनाते थे, अभी प्लेट्स बनाते थे और वो भी बनाएंगे और कप्स और सॉसर्स भी बनाएंगे, ठीक है। सवाल कहते हैं कैलकुलेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर वन ईयर दैट अल्बर्टा लिमिटेड कुड अचीव इफ इट वॉज टू प्रोड्यूस प्लेट्स कप्स एंड सॉसर्स सब बना ले, शो द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी शो करना एंड टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट और हर प्रोडक्ट की टोटल कंट्रीब्यूशन भी शो करना। तो अब हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ है हमारे पास प्लेट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास पिछले पार्ट्स में अवेलेबल है। दूसरी चीज़ है हमारे पास कप्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तीसरी चीज़ है हमारे पास सॉसर्स की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इस पार्ट में अवेलेबल है। और फिर एक कॉलम बनाते हैं हम टोटल का, ठीक है। ऐसी वर्किंग क्यों कर रहे हैं, ऐसी वर्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिखाना है। तो हम सबकी सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिखाएंगे, जो प्लेट्स की सेलिंग प्राइस है। अगर आप पिछले पार्ट से देखोगे प्लेट्स की सेलिंग प्राइस कितनी है, 12। और प्लेट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ये भी देख लेते हैं, 5 प्लस 2.8 प्लस 2.2 विच इज 10, ठीक है। तो प्लेट्स के लिए सेलिंग प्राइस हो गई 12, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू प्लेट्स की कितनी हो गई, 2। कप्स के लिए क्या है, कप्स के लिए सेलिंग प्राइस 18 है, सॉसर्स के लिए सेलिंग प्राइस 26 है। कप्स की वेरिएबल कॉस्ट इन तीनों का एडिशन विच इज 7.2 प्लस 4.8 प्लस 3 विच इज 15। सॉसर्स की टोटल कॉस्ट क्या है इन तीनों का एडिशन विच इज 14 प्लस 4.2 प्लस 1.8 यानी कि 20। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, कप्स के लिए 18 में से 15 माइनस कर दो 3 बचता है, और सॉसर्स के लिए 26 में से 20 माइनस कर दो 6 बचता है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट्स कितने हैं भाई, प्लेट्स के यूनिट्स पिछले पार्ट में लिखे हुए थे कि 400,000 यूनिट्स आप बेचोगे, कप्स के यूनिट्स 100,000 और सॉसर्स के यूनिट्स 60,000 है। तो 100,000 और 60,000, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 400,000 विच इज 800,000, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100,000 विच इज 300,000, 6 मल्टीप्लाइड बाई 60,000 विच इज 360,000, 800 प्लस 360, सबकी कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं 800 प्लस 300 प्लस 360 विच इज 1460000, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन है 1460000, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है सारी चीजों की। इसमें से हम माइनस कर देते हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी भाई, फिक्स्ड कॉस्ट देखो इसने बोला था कि कप्स एंड सॉसर्स से स्टार्ट करोगे तो 480,000 की ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी। द फिक्स कॉस्ट विल डबल टू 480,000
इफ एनी न्यू प्रोडक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड. देखो यहाँ पर हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी ना वो 240,000 की थी, यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट 240,000 की थी और सवाल में ये लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट जैसे ही आप कप्स या सॉसेस में से कुछ भी एक लॉन्च करोगे तो वो डबल हो जाएगी और 480,000 हो जाएगी. और अगर 480,000 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम 1460000 में से 480,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर नेट बचता है, जो प्रॉफिट बच जाता है, वो प्रॉफिट बच जाता है हमारा 980,000. ये हमारा प्रॉफिट बचता है, कितना, 980,000 का प्रॉफिट बच जाता है. ठीक है, तो ये इस पार्ट पे हमें करना था. आगे देखते हैं कि अगले पार्ट पे पार्ट बी भी हो गया, पार्ट सी देखते हैं कि पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है. पार्ट सी में लिखा हुआ है एक्सप्लेन दी इम्प्लीकेशंस फॉर द लोकल कम्युनिटी इफ एल्बेटा लिमिटेड डिसाइड्स टू एक्सटेंड इट्स प्रोडक्ट रेंज. प्रोडक्ट रेंज अगर ये एक्सटेंड करेगा तो उससे लोकल कम्युनिटी की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, उनको क्या फायदा क्या नुकसान होगा. तो एक फायदा या नुकसान जो आप लिख सकते हो वो ये है कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड. एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, विच मीन्स के ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. ठीक है ना. दूसरी इम्प्लीकेशन क्या होगी, मोर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन लोकल मार्केट. मोर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन लोकल मार्केट, जो आपकी लोकल मार्केट है उसमें और ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल होंगे. ठीक है ना. तीसरी इम्प्लीकेशन क्या होगी, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी तो इंक्रीज इन पोल्यूशन, पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन पोल्यूशन. ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशंस होंगी. तो यहां पर हमने एक और जो है वो सवाल सॉल्व किया. आप लोग इसको कॉपी करें और फिर जितनी भी क्वेरीज हो वो मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप पर जरूर पूछ लें. ठीक है.